एवरीवन आर यू गुड? माइक ड्रॉप। आई एम डैम श्योर ये 99% लोगों ने सुना होगा। ये सॉन्ग BTS ने हेटर्स के लिए लिखा था। मतलब जब लोग बिना किसी कारण के आपसे नफरत करने लग जाएं तो क्या करना चाहिए। इस सॉन्ग के मेन राइटर हैं RM और जे होप, और ये गाना भी लव योर सेल्फ एल्बम का है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा हाँ, गाना शुरू करने से पहले इस गाने में एक लाइन बार बार आती है, माइक माइक बंजी। बंजी मतलब कूदना और माइक मतलब माइक्रोफोन। आपने बंजी जंपिंग का नाम सुना है? इस गेम में एक इंसान के पैर को एक रस्सी से बांध देते हैं, फिर जब वो इंसान नीचे कूदता है तो ये रस्सी उसे वापस ऊपर की तरफ ले आती है। मतलब इंसान जितनी तेज़ी से नीचे कूदेगा ये रस्सी उसे उतनी ही ऊपर की तरफ खींच लेती है। तो BTS के माइक माइक बंजी कहने का मतलब है कि तुम जितनी ज़्यादा मुझसे नफरत करोगे मैं उतना ज़्यादा ऊपर उठूँगा, यानी आगे बढ़ूँगा। नाउ स्टार्ट। जहोप की लाइन, किसने कहा कि मेरा चम्मच गंदा है, मुझे परवाह नहीं है। जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो मेरे पास कई सोने की चम्मच होती है, वहाँ कई कच्चे स्टैक मुझे पागल कर देते हैं, एक बार फिर मैं सभी को चबाऊंगा। कोरिया में चम्मच किसी इंसान की अमीरी गरीबी को दिखाता है। जैसे हमारे इंडिया में भी हिंदी की कहावत है कि ये तो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। चांदी सोने की चम्मच मतलब अमीर इंसान, और गंदी चम्मच मतलब छोटे और गरीब लोग। अब चूँकि बिग हिट बहुत छोटी कंपनी थी और BTS खुद भी बहुत गरीब थे, तो जेहोप यहाँ कह रहे हैं कि किसने कहा कि मेरा चम्मच गंदा है, मतलब कि किसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मुझे परवाह नहीं है। जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो मेरे पास कई सोने की चम्मच होती है, मतलब कि BTS के लिए उनका म्यूज़िक ही उनकी असली दौलत है। फिर जेहोप ने कहा था कि कच्चे स्टैक मुझे पागल कर देते हैं, मैं उन्हें चबाऊँगा। स्टैक मतलब हेटर्स, और कच्चे स्टैक का मतलब है वो हेटर जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि वो सामने वाले से नफरत कर क्यों रहे हैं। तो जेहोप इन हेटर्स को कह रहे कि मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। शुगा की लाइन, आपने सोचा कि मैं फेल होने वाला हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। सॉरी बिलबोर्ड, सॉरी वर्ल्ड वाइड, सॉरी मॉम, आपका बेटा बहुत हॉट है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, हमारे कॉन्सर्ट में कोई सीट खाली नहीं रहती, आप एक बेसवाद रेटाटाइल हैं, यदि आप जलन करते हैं तो मुझ पर मुकदमा करो। शुगा यहाँ क्लियर हेटर को कह रहे हैं कि तुमने क्या सोचा कि मैं फेल होने वाला हूँ, पर मैं ठीक हूँ। सॉरी बिलबोर्ड, सॉरी वर्ल्ड वाइड, सॉरी मॉम, आपका बेटा अच्छा कर रहा है। बिलबोर्ड, वर्ल्ड वाइड और मॉम मतलब इनकी फैमिली, ये सब पहले हेटर्स ही थे। बिलबोर्ड BTS के गानों को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करता था, और शुगा की मम्मी पापा शुगा के लिखे गानों को फाड़ देते थे, तो वो भी एक तरीके से हेटर्स ही हुए। इससे शुगा कह रहा है कि तुम लोगों को क्या लगा मैं फेल हो जाऊंगा, पर मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, हमारे कॉन्सर्ट की हर सीट अब फुल रहती है। वी जेहोप जिन जिमिन की लाइन, क्या तुमने मेरा बैग देखा, ये ट्रॉफियों से भरा पड़ा है और बहुत भारी है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नफरत करने वाले पहले ही हार मान चुके हैं, आओ मेरे पीछे आओ और हार मान लो, मैं बहुत गर्म हूँ, तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, जब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं लेता तब तक भागते रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आसान भाषा में BTS यहाँ हेटर से कह रहे कि क्या तुमने मेरा बैग देखा, ट्रॉफियों से भरा पड़ा है, मतलब मेरे पास बहुत ट्रॉफीज़ हैं, और ट्रॉफी और अवार्ड का मतलब होता है जीत। जो हेटर्स पहले कहते थे कि BTS बेकार ग्रुप है, इनका कुछ नहीं हो सकता, उनके मुंह BTS के इस अवार्ड से बंद हो गए, तो BTS हेटर्स से कह रहे कि चलो अब तुम भी हार मान लो। So
जेके आरएम जिमिन जेहोप की लाइन। एक और ट्रॉफी मेरे हाथ में है, इतने सारे कि मैं इन्हें गिन भी नहीं सकता। अपने पैरों से सावधान रहो कि तुम क्या कहते हो। मैं बहुत बिजी हूँ कि मेरा एक शरीर भी काफ़ी नहीं पड़ रहा। ये बहुत आसान है, BTS हेटर्स को बोल रहा है कि मेरे पास इतनी ट्रॉफी है कि मैं इन्हें गिन भी नहीं पा रहा हूँ, और इतना ज़्यादा काम यानी इतने सारे नए गाने हैं जिनको करने के लिए मेरा एक शरीर भी कम पड़ रहा है। इसलिए तुम जो भी उल्टा सीधा बोल रहे हो उसे सोच समझ के बोलो। RM की लाइन, अपना मुंह देखो और वापस आ जाओ। एक बार हमने सीखा कि कैसे उड़ना है। जाओ अपने आईने को देखो, वही गंदे कपड़े। आप जानते हैं मैं कितना खुश महसूस करता हूँ। हम कितने घंटे उड़ते हैं, मैं बादल पर सपने देखता रहता हूँ। हाँ, मैं पहाड़ पे हूँ, मैं खाड़ी पर हूँ, हम हर दिन गाते हैं। आसान भाषा में RM हेटर से कह रहे कि अपना मुँह देखो, मतलब मुँह संभाल के बात करो। तुम जानते हो हमने कितनी मेहनत की है। तुम अपने आप को आईने में देखो, वही गंदे कपड़े, मतलब हेटर्स की वही पुरानी गंदी सोच जो कभी नहीं बदल सकती। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम हर जगह हैं, मतलब BTS के गाने हर जगह हैं, उनकी आर्मी हर जगह है, और वो हर दिन हमेशा तक ऐसे ही गाएंगे। RM की लाइन, हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले, लिव ए लाइफ मैन, मतलब नफरत करने वाले नफरत ही करेंगे और खिलाड़ी खेलते रहेंगे। अपनी जिंदगी जियो यार, गुड लक। जिन वी जेके की लाइन, हमें एक दूसरे को फिर कभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा आखिरी गुड बाय है। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, माफ़ी भी मत मांगो। BTS हेटर से कह रहे हैं कि अब हमें ना एक दूसरे को देखने की ज़रूरत है ना बहस करने की। वैसे भी कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, और तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आखिरी गुड बाय है, मतलब BTS की कामयाबी ही इतनी है कि उन्हें किसी हेटर से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। JKV जीवन की लाइन, करीब से देखो अपनी दयनीय हालत को। हम कोका कोला की तरह सूट करते हैं, आपका कार्निया इतना चौक जाएगा क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। लास्ट लाइन, BTS को हेटर्स की हालत पर तरस आ रहा है, तो वो उनसे कह रहे हैं देखो अपने आप को, कैसी बेचारों जैसी हालत हो गई है तुम्हारी। कोका कोला बहुत बड़ी कंपनी है जो हर जगह है, तो BTS कह रहे हैं हम कोका कोला की तरह ही नंबर 1 पर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम हमें देखकर और चौंक जाओगे। मतलब BTS ने ये गाना ये कह के ख़त्म किया है कि एक तो हमें तुमसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो बोलेंगे वो हमारे अवार्ड और अचीवमेंट बोलेंगे, और दूसरा वो आगे भी ऐसे बड़े बड़े काम करते रहेंगे जिससे हेटर्स भी हैरान रह जाएंगे। तो जैसा कि RM ने कहा, हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले, लिव ए लाइफ मैन। चलो फिर, नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना, और तुम लोग भी बहुत कामयाब बनो। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।